नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मु निवेदिता बुलेटिन आरंभ करबा हेडलाइंस रो राज्य रे 24 घंटा रे 609 जन कोरोना रे आक्रांत खोर्धारु सर्वाधिक 188 कटक रु 113 संक्रमित 8 जीवन ला महामारी 18 वर्ष रु कम वयस वर्ग रे 122 जन आक्रांत चौबीस घंटे बंगोपसागर सृष्टि होइपारे लघुचाप प्रभाव में छह जिले में प्रबल वर्षा पाई येलो वार्निंग जारी सारा राज्य में होब हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा मद दोकानी को हीराकुद आईआईसी को अनुकंपा दुकान को विरोध करुवा लोकों ना एतला दे अनुरोध करुवार वीडियो वायरल सेपटे झांकरपड़ा मद दोकान को नहीं चली गणधारा पुणि बद्री पुओ टुटु पात्र गुंडाराज खबर संग्रह करुवा बेले सांबादिकड़ पूर्व पंचायत निर्वाही अधिकारी माड़ मार नहीं आसी अभोग बाप पुओं चापर पुलिस आक्शन ने विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आज पंचम दिन चारिदिन पर स्वाभाविक होपे गृह कार्य रही सात विभाग प्रश्न उत्तर कार्यक्रम गुरुत्वपूर्ण प्रसंगे सरकार को घेरी पारती मोदी आज हिमाचलवासी कथा प्रधानमंत्री प्रथम डोज टीकाकरण सफलता नहीं स्वास्थ्यकर्मी और जनसाधारण करेंगे मत विनिमय वर्चुअल कार्यक्रम में उपस्थित रहे हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री छदिन ओडिशा गस्तरे आसुचंती केन्द्र आदिवासी कल्याण राष्ट्रमंत्री विश्वेश्वर टुडु मोदी मंत्रिमंडल में स्थान पाइबा परे प्रथम ओडिशा गस्त प्रथमे लिंगराज पर श्रीमंदिर राज्य बीजेपी कार्यालय स्वागत एवं जातीय गणमाध्यम महिला सांबादिकों दुर्व्यवहार चाषी समस्या खबर संग्रह जाए घोड़ाइले कृषक नेता राकेश टिकायतों लोके महिला सांबादिकों प्रति एभली व्यवहार को नहीं उठिला प्रश्न राज्य में 24 घंटा रे 609 जन कोरोना आक्रांत चिन्हट होती क्वारंटीन 354 लोकाल केस 255 रही खोर्धार सर्वाधिक 188 और कटक 113 जन आक्रांत चिन्हट होती 18 वर्ष रु कम वयस वर्ग में 122 जन संक्रमित चिन्हट होती संख्या लगातार किसी दिन होब 100 ऊपर रही जहां राज्यपाल चिंताजनक विषय सेपटे गत 24 घंटे 8 जीवन नहीं महामारी सेपरी राज्य में चिन्हट आक्रांत अनुगुल 12 बालेश्वर 31 बरगड़ 9 भद्रक 18 संक्रमित चिन्हट होती राज्य में मोट आक्टिव केस 6996 रही आज विधानसभा मौसुमी अधिवेशन पंचम दिन स्वाभाविक रहीपे गृह कार्य तेज आज प्रश्नकाल स्वराष्ट्र अर्थ स्वास्थ्य और परिवार कल्याण निर्माण अबकारी इस्पात और खणि साधारण प्रशासन और साधारण अभियोग भात विभाग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही सेपरी शून्यकाल बहु गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उठाई सरकार को घेरी पारती विरोधी मिलता सूचना अनुजाई राज्य में चाष और चाषी प्रसंगे आलोचनापी मोशन आनी सरकार मरुड़ी और चाषी आत्महत्या भाई प्रसंग होपे दीर्घ समय आलोचना सेपरी अपराह अधिवेशन में पौर पंचायत निर्वाचन संशोधन बिल गृह पारित होते ओडिया विश्वविद्यालय अधिनियम बिल समेत दुईट बिल गृह पारित हो दिव्यज्योति महांती आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ बाबद आलोचना करवा दिव्य विधानसभा मौसुमी अधिवेशन आज हूँ पंचम दिन जदि आप देखिए चारिदिन पर गृह कार्य स्वाभाविक होपे आकलन करों सब प्रसंग आज आलोचना कौन सूचना देवाक चाहिए देखंतु निवेदन निश्चित भाव में विधानसभा मौसुमी अधिवेशन पंचम दिन आज बे स्वाभाविक होली आशा कराऊ कारण गत चारिदिन जो भि गोटे प्रकार हो हाला पाटितुंड भितरे बीती अनेक समय मुलतवी होता कि आज से भली किसी परिस्थित उपजो ना बोली जहाँ आशा कराऊ कारण जदि आजिका दिन कार्यसूची आप देखिए प्रश्नकाल सात सतट विभाग गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही जो थे आपत कहते अर्थ विभाग अबकारी विभाग रही गृह विभाग रही गुरुत्वपूर्ण विभाग सब रही जो थे अनेक गुड़े गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रही जहाँ आलोचना हेले अनेक किसी दिग उपर राज्यवासी जापर जे प्रकृत में राज्य सरकार कौन करम कर रही क्यों कम करोटी क्यों कम करना यह सब प्रसंग राज्यवासी जापर परवर्त समय प्रश्नकाल आज सबू जो अलग कार्यसूची को बातिल कराई आज शासक दल पक्ष सरकार पक्ष गोटे मोशन अणा जा रही कार्यक्रम रही
जे राज्य जो बर्तमान अनावृष्टि रही अनावृष्टि जो जो परिस्थिति बर्तमान सृष्टि होती जो समस्या सृष्टि होती से समस्या संपर्क में कौन सरकार पदक्षेप नहीं स्वतंत्र मोशन अणा स्वतंत्र प्रस्ताव आकार में आलोचना करो समस्त दल पार्टिसिपेट करेंगे और एनेट विरोधी पूर्व डिमांड करते स्वतंत्र भाव आलोचना कर मरुस्थित नहीं जहाँ दृष्टि रखी बाचस्पति दुई दिन तले निर्देश देते राज्य सरकार प्रस्तुत हूँ स्वतंत्र भाव आलोचना गृह रखत मत रखु निहां आज से उपर पखापाखि दुई तीन घंटा धरी आलोचना हो समय समस्त दल प्रतिनिधि मैंने अभ्यसन रखे और कौन रही अभियोग विरोधी से कथा कहे चाषी किभ आत्महत्या कले मरुड़ी जनित समस्या जो से प्रसंग विरोधी रखे अंपटे शासक दल विशेषकर सरकार कौन कर विभिन्न मंत्री मैंने विषय में उत्तर रखे किंतु गत काली आलोचना पूर्व गत काली दुई दुईट विभाग जल संपद विभाग और कृषि विभाग दुई दुईट विभाग तंकर समीक्षा बैठक करते जो थे कृषि विभाग पक्ष समस्त अधिकारी मानक निर्देश दिखाई आपण मैंने कृषक मान लगातार जोड़ी रुंतु प्रति सात दिन थर लेखा तक जातु रिपोर्ट नियंतु जो प्रकृत स्थिति कौन रही कौन असुविधा हो नाई कौन समस्या हो प्रसंगे रिपोर्ट देवाई कृषि विभाग पक्ष निर्देश दिया अंपटे जल संपद विभाग तरबरिया भाव में तार कार्य आरंभ कर मुख्यमंत्री मरुड़ स्थित समीक्षा करते से समय निर्देश देते जो सब उठा जलसेचन पॉइंट गुड़ा रही केनाल गुड़िक रही सेगुड़ सचल करोटी विद्युत ना जो अचल हो विद्युत दि जाऊ यह सब प्रश्न मुख्य निर्देश देते जल संपद विभाग तरबरिया भाव कार्य आरंभ कर गत काली समीक्षा बैठक जमापड़ जल संपद विभाग कहवा कथा गत काली सुधा ये दस दिन भितर पाखापाखि 10 लाख हेक्टर जमी को जलसेचन करवाई बंदोबस्त कराती भाव में तरबरिया जो बंदोबस्त क्यों ना क्योंकि गोटे बड़ प्रश्न सृष्टि करपटे तो अपराह्न अधिवेशन क्या आप देखिए अपराह्न अधिवेशन निहत गुरुत्वपूर्ण रही अपराह्न अधिवेशन में पंचायत और पौर संशोधन जो बिल रही उपस्थापन हो विश्वविद्यालय रिपिलिंग बिल ए दुईट बिल को गृह में पारित करने सरकार आणवे प्रस्ताव आणवे और पारित करेंगे निहत भाव आज दिन की संपूर्ण गुरुत्वपूर्ण रोज पंचम दिन हिसाब से आज गृह बे स्वाभाविक रही है देखिए दिव्य चार दिन पर स्वाभाविक हबार नहीं आकलन कराखापाखि सात विभाग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रही है और गुरुत्वपूर्ण प्रसंग में सरकार को विरोधी घेरी पारती जो पूरा रणनीति प्रस्तुत कर बहुत बहुत धन्यवाद दिव्यज्योति महांति आम रिपोर्टर सीधासख विधानसभा परिसर आपको सूचना देते मद दोकानी को आईआईसी अनुकंपा मद विरोधी लोकों नाँ एफआईआर देवाई आईआईसी अनुरोध करुछंती मद दोकानी को नहीं एक वीडियो वायरल हो मद दोकान को विरोध करुवा लोकों नाँ थाना अभियोग करने दोकान मालिकों को अनुरोध करुछंती सबलपुर हीराकुद 11 नंबर वार्ड झाकरपड़े मद दोकान खोल को विरोध कर थाना अभियोग जिलापा एसपी आरडीसी और डीआईजी को द्वारस्थ होती एने हीराकुद वरिष्ठ नागरिक मैंने दीर्घ 17 दिन हे गणधारणा देते समय हीराकुद आईआईसी चित्तरंजन नायक मद दोकान मालिक कथा होता समय एक भिड सामना को आसी हीराकुद थाना अधिकारी मद दोकान मालिकों को फोन कर थाना एफआईआर देवा कहते तुमर एफआईआर दियो कहीं नहीं गलत है दौला तुम जन दे फिर दे दि मलय भाई आम रिपोर्टर संबलपुर रिपोर्टर आम सहित जोड़ मलय मद दोकानी को हीराकुद आईआईसी अनुकंपा खबर आसुची कौन रही पूरा घटना जानवाक चाहिए नवेता देखु जे हीराकुद दीर्घ दिन धरिकी मद दुकान बंद रहता आकि वर्तमान समय हीराकुद 11 नंबर वार्ड बा झांकरपड़े गोटे मद दुकान खोलिया जड़े दोकानी निष्पत्ति नहीं जगह से चयन करी कि देखा जितने हीराकुद जो अंचल दुकान खोल जा मद दुकान 11 नंबर वार्ड से अंचल अनेक शिक्षानुषान रही अनेक घर रही तो या दृष्टि रखी हीराकुद अंचलवासी तथा झांकरपड़ा लोके विरोध कले प्रथम कर हीराकुद थाना अभियोग करते परवर्त समय संबलपुर म्युनिसिपालिटी कमिश्नर जिलापाल आरडीसी डीआईजी समस्त पाखे आईसी द्वारस्थ होगी अभियोग करते मद दुकान विरोध करी मद दुकान न खोलने ठीक यही समय जितेबले हीराकुदर वरिष्ठ नागरिक संघ पक्ष पाखापाखि 17 दिन हे हीराकुद अंचल धारणा देखते मद दुकान को विरोध करी ठीक यही समय हीराकुद आईआईसी जी अच्छा से फोन जुगे कथबार्ता होती जो मद दुकान मालिक कथबार्ता होती अनुरोध करसतु या विरोध में एक एफआईआर दिंतु जहाँ कि दुई जन को एफआईआर दिवाली जहाँ शोषक अच्छे तो जितेबले जो अच्छा वरिष्ठ नागरिक मैंने मद दुकान को विरोध करी धारणा देखते ठीक से ही समय आईआईसी जो
कथा सामना करछि ये तो वर्तमान समय बड़ प्रश्न उठुछि जे मद दुकान मालिक को आईएससी किभली भाव अनुकंपा दौंट सहित कौन संपर्क थे जे फोन जोगे बारंबार अनुरोध करते आप देखु जहां भिडियो ऑडियो जहां सोशल जना पड़ी आईएससी को कहते बारंबार आपंत आसतु या विरोध में गोटे एफआईआर दिंतु कहीं आईएससी एत अनुकंपा देखुं जो अच्छा दुकान मालिक को कहीं जो मैंने मद विरोधी लोक अच्छा सपक्ष कहीं करते ये तो बर्तमान समय बड़ प्रश्न उठुची निवेदा ओके नियति बड़ प्रश्न जे काहेकि आईआईसी एते अनुकंपा देखाउछंती जे रहिछंती मदो दोकानी प्रकृतरे या पछरे कारण कोन हेताई पारे एते अनुकंपा कोन पई देखा जाउछ जेते बेले मदो बिक्री को विरोध करा जाउछ ताकू से विरोध रे कार्यनुष्ठान नेबा परिवर्ते काहेकि एते अनुकंपा देखा जाउछ यार गोटे उच्च स्तरीय तदत हेबा दरकार जेते बेले एभली एक वीडियो मध्य वायरल होउछ बहुत बहुत धन्यवाद मळे भई हम संबलपुर रिपोर्टर हम सहित बाबत रे सविशेष आलोचना करथिले। नवरंगपुर रे लज्जा माँ को मड़ांत को आक्रमण कर नाबालिका झीव को दुष्कर्म अभियोग तेंतुलीखुंटा थाना रे अभियोग कर पीड़िता बापा अभियोग को भित्ति करी तेंतुलीखुंटी पुलिस अभियुक्त को गिरफ्त करी अन्यपटे आक्रमण शिकार होता माँ कोरापुट मेडिकल जीवन मरण सह संघर्ष करुछंती तेबे माँ झीव निज जमी को काम करने को जाते जमी काम सारी उभय संध्या समय घर को फेरुवा बेले अभियुक्त एभली कांड भियाई झीव समस्त घटना परिवार लोक को जनवा पर थाना अभियोग करते बापा पुलिस अभियुक्त को घटनास्थल को नहीं सीन रिक्रिएट करिछे अभियुक्त विरोध में कठोर कार्यानुष्ठान दावी करिछंती परिवार लोके अभियुक्त को गिरफ्त कर तदंत जारी रखिछे पुलिस। सुमित घंट नवरंगपुर प्रतिनिधि आम सहित जोड़ सुमित दीर्घ दिन बोध हुए थम पड़ जाता यह घटना और पुणी थे से चित्र सामना को आसूँ सबुठ दुखर विषय जे आम आईन व्यवस्था एत ढिला एमती बारंबार गोटेपर गोटे घटना घटू अभियुक्त गिरफ होती कि कार्यानुषान सठिक दिख रहा है ए क्षेत्र में कौन आप देखुं पूरा घटना आपंठ जानवाक चाहिए देखंतु निवेदिता जहाँ जो घटना विषय जी कह दीर्घ दिन व्यवधान पर आउ गोटे थर नवरंगपुर जिले में यह घटना लज्जाजनक घटना सामना को आछि दिन तले यही घटना देखा मिलता जो आउ गोटे थर यू तेंतुलीखुंडी अंचल आउ एक जो लज्जाजनक घटना देखा मिली जो 15 वर्ष नाबालिका को जो दुष्कर्मकारी दुष्कर्म करी माँ को मरणात्मक आक्रमण करा जहाँफल कि वर्तमान जीवन एवं मरण सहित संघर्ष करपुट मेडिकल रे भर्ती होती अंपटे जो पीड़िता अच्छा पीड़िता बापा जी थे से बापा अभोग दवापर अभोग दवापर तेंतुलीखुंटी जो पुलिस अच्छा अभियुक्त को गिरफ्त करने कोर्ट चालान कर निवेदिता ओके कोर्ट चालान करा जाइछ अभियुक्त को तबे अपेक्षा कौन कार्यानुष्ठान लिया जाउछ अभियुक्त विरोध रे काहेकि ना एमती जते बेले गोटी परे गोटी घटना सामना को आसुछि न्यायती न्यायिक व्यवस्था उपरे मध्य प्रश्न सृष्टि करुछि बहुत बहुत धन्यवाद सुमित घंटो नवरंगपुर रिपोर्टर आम सहित आलोचना करथले बाबत रे। केन्द्र बंगोपसागर में सृष्ट घूर्णिबलय लघुचापर रूप ने प्रभाव में दुई दिन धरी राज्य में वर्षा होगा नहीं आंचलिक पाणिपाग विभाग आकलन कर राज्य विभिन्न स्थान में वर्षा जारी रही दुई दिन धरी राज्य विस्तृत अंचल में वर्षा लग रखा बेले आज 6 जिले में प्रबल बर्षिब यह जिलागुड़िक कोरापुट गजपति कलाहांडि कंधमाल पुरी यह समस्त जिला को पाणिपाग विभाग पक्ष येलो वार्निंग जारी कर आसंका नुआपड़ा बलांगीर खोर्धा कटक जगत सिंहपुर मयूरभंज नवरंगपुर इत्यादि जिले में वर्षा होगा नहीं सूचना रही अंपटे केतक जिला को वज्रपात नहीं सतर्क कर मत्स्यजीवी को समुद्र भितर को प्रवेश बारण कर आगामी 11 तारीख में आउ एक लघुचाप आसवा नहीं सूचना रही भद्रक दीप्तिरंजन साहू आम रिपोर्टर आम सहित जोड़ दीप्ति जदि आप देखिए पाणिपाग विभाग जो आकलन लघुचाप सृष्टि होगी आगे 11 तारीख में आउ एक लघुचाप आसू तेणु दुई दुईट लघुचाप्र प्रभाव निहांती रही है विशेषकर आपड़ जो देखिए उपकूलवर्ती जिला और तामदे भद्रक जाठी प्रबल मात्रा रे वर्षा होबार आशंका करा जाउछि कौन सब प्रशासन पदक्षेप रही जिते बड़े लगाण वर्षा और बन्या परिस्थिति जदि उपजी पारे निश्चित भाव में निवेदिता देखूँ कहीं भद्रक जिला कथा जी कह गत बंगोपसागर जो लघुचाप जनित लगा वर्षा लगी रही भद्रक जिले में गत काली संध्या बेलू वर्षा झिपझिप लगि रही है और आज सका भी बर्षार जो परिमाण थी ताहा भी बढ़ी और
वर्तमान संपूर्ण भाव में वर्षा टिके छाड़ी किंतु जो तलिया अंचल रही है भद्रक जो विभिन्न सहर जो तलिया अंचल कथा कहवा जमी पुराणा बजार कथा कहतु संथिया कथा कहतु आपणकर अपरदमिता न्यू कॉलोनी कथा कहतु एमती मटसाई कथा कहतु विभिन्न छक विभिन्न वार्ड में जो तलिया अंचल जो लोक मैंने रही जो लघुचाप जनित लगा वर्षार पानी बेहाल पा जमी रही जहाँफल कि यही पानी जमी रहा फल ड्रेनेज समस्या जेहेतु देखा देखिए जेहेतु पानी निष्कासन हो पार नहीं पानी जमी रोचे निहाती भाव में लोक मैंने दुर्दशार भुगुंत जो पानीपाग विभाग पक्षर जो आकलन कर दुई दुईट लघुचाप हम तेब जो यही जो दुई दिन लगना वर्षा जब लगि रहा निहाती भाव में वर्षा पा जमी रोक लोक नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन होते तेज सेपटे जिला प्रशासन पक्ष जोाजोग करूँ और जहाँ आम आलोचना करूँ से भी कहते हैं जदि भी तलिया अंचल पा जमी रहे पा निष्कासन न हुए तो आम पंपसेट रेड करूँ और संपूर्ण भाव में तीक्षण नजर रखीचु जो अंचल पा जमी रंचल पा को निष्कासन कर पंपसेट लगे निष्कासन कर सहित निष्कासन कर भिजुआल देखा चाहिए बर्तमान आम मटसाई छक अच्छू आप देखिपे किपर भाव में वर्षा लघुचाप जनित वर्षा कारण पा जमी रही निहाती भाव में जो ड्रेनेज रही पाखे ये जो ड्रेनेज जाम हवा फल लोक मैंने पा निष्कासन जापनी जहाँफल कि लोक मैंने नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन होती समस्ते गाड़ी भी पा भितर पशिकी जाऊँ आप सीधा सड़क चित्र देखिपे ये हूँ एनएच कड़र जो ओवरब्रिज रही मटसाई पाखे यही मटसाई छक पाखे आप देखिपे किपर भाव में पा जमी रही जहाँफल कि लोक मैंने नाई नसुविधार सम्मुखीन होती विभिन्न समय सैकल कथ कहतु स्थानीय जो चलिकी जा लोक कथ कहतु निहाती भाव में पा भितर पशिकी जावासिया करपटे म्युनिसिपालिटी करतृपक्ष को आम आलोचना करूँ जहाँ से भी कहते संपूर्ण भाव में तीक्षण नजर रही जदि भी लगा वर्षा लग भद्रक जिले में दुई दिन धरी जदि लगा वर्षा लग रेकोसी तलिया अंचल जो लोक मैंने रोचान पाघर निहाती भाव में पंपसेट लगे और पंपसेट रेड करने सहित संपूर्ण भाव में जो कर्मचारी रही म्युनिसिपालिटी कर्मचारी भी तीक्ष्ण नजर रखापी कहु समस्त आलर्ट कर जहाँ प्रशासन पक्षर कहुची किंतु संपूर्ण भाव में देखिपे ये जो लगा वर्षा जब लगि रहा निहाती भाव में लोक मैंने नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन होते जो दुई दुईट लघुचाप जो आसवापी जो पापा विभाग पक्ष आकलन करहाती भाव में लोक मैंने दुर्दशार जो पा जमीवा फल लोक मैंने दुर्दशा भोगे नाई नथिबार असुविधार सम्मुखीन होते रंजन जमी कहते ड्रेनेज व्यवस्था वर्तमान समय रे मुंड विंधार कारण पलटि पा जमी रही ड्रेन जो पा जमी रोके दुर्दशा भोगुं तेणु एप्रति स्थानीय प्रशासन अवगत रहा दरकार तेणु एने पदक्षेप निजार आवश्यकता रही बहुत बहुत धन्यवाद दीप्तरंजन साहू और भद्रक प्रतिनिधि आमको सीधासख चित्र देखाते बाबद आलोचना कर पुणी बद्री पुआ टुटु पात्र गुंडाराज सांबादिक माड़ मारे बद्री पात्र पुआ टुटु पात्र खबर संग्रह करने को समय आक्रमण करुटु पात्र समर्थक मैंने मिलमिशि माड़ मार अभोग कहीं माड़ मारी टुटु पात्र पुणी बद्री पु टुटु पात्र गुंडाराज टुटु आक्रमण शिकार हेले सांबादिक सांबादिकंकु माड मारिले बद्री पात्र पुओ टुटु पात्र ओरफ देवाशीष पात्र खबर संग्रह करिबाकु जाइथिबा समय रे आक्रमण टुटु पात्र ओ तांको समर्थक माने मिलिमिशि माड मारिथिबा अभियोग करिसंती सांबादिक जनक काहिकि एठाकु आसिछु कहि माड मारिचंती बीजेडी विधायक बद्री पात्र पुओ टुटु पात्र सामनाकु आसिला केउझर जिला घसीपुरा विधायकक पुओ देवाशीष ओरफ टुटु पात्र गुंडागर्दी सांबादिक पर्तिले नाही रविवार घसीपुरा निर्वाचन मंडली अंतर्गत घटवा ब्लक गदाधरपुर पंचायत खुंटा गाँव एक फुटबल मैच को टुटु पात्र जाते जोटि की संवाद ग्रहण करने को एक खबर कागजर सांबादिक विभु प्रसाद चक्र देखा मात्रे टुटु पात्र समर्थक मैंने गोटे गोटे पिटी कहीं मो विरोध में खबर करुचु कही पिटी टुटु पात्र खबर संग्रह पाई गोटे क्रिकेट फुटबॉल टूर्नामेंट होता खुंटा गदारपुर पंचायत खुंटा गाँव रेटी जावा बेले थिले हमरो गड़बांध गुड़ा बद्रीनारायण पात्र पु देवाशीष पात्र सी आसिकी मत आक्रमण करते गोईठाटे मारे और कहले तू मदार छू तो पढ़ा तू यू घर छाड़ी पढ़ा आदि थाना एफआईआर देवू तो मर्डर करदेबू आ गोईठाटे मारिक पलैया खुंटा गाँव रणजित पलई
ରମେଶ ପଲେଇ ଆଉ ବିଜୟ ପଲେଇ ଆସିକି ପ୍ରବଳ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ବି ମର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ମୋ ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ମୋର ସିଏ ରଖିଛନ୍ତି ଛଡ଼େଇକି। କେବଳ ଯେ ମାଡ଼ ମାରିନାହାନ୍ତି ତା ସହିତ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର। ଏନେଇ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ଚକ୍ର। ମୁଁ ଆସିକି ତାପରେ ଘଟଗାଁ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଆଉ ସେ ତଦନ୍ତ କରିବେ। ସେ ଗାଡ଼ିଟା ସିଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ମୋବାଇଲଟା ଆଣିନାହାନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ସିଜ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ବଦ୍ରି ପାତ୍ରଙ୍କ ପୁଅ ଟୁଟୁଙ୍କ ନାଁରେ। ପୂର୍ବରୁ ସେ କହିଥିବା ଜଣେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଘର ନ ମିଳିବାରୁ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଘଟଣାରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଶୂନ। ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହେଲେ ବି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ସବୁ ମାଫ। କେବେ ହେବ ଆକ୍ସନ? କେବେ ଗିରଫ ହେବେ ଟୁଟୁ ପାତ୍ର? କେଉଁଝର ଘସିପୁରାରୁ ମାଷ୍ଟର ସରିନମଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଜିଠୁ 6 ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଟୁ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମଣ୍ଡଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପରେ ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱର ଟୁଟୁ ପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିପାରି ନଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବେ, ପରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେପରି ଆଜି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ VC ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। କରୋନା ଟିକାକରଣରେ ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ 18 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରଥମ ଡୋଜ୍ ଲାଗିସାରିଛି। ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେବା ସହ ଦୁର୍ଗମ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଆଶାକର୍ମୀମାନେ ଟିକାକରଣକୁ ବ୍ୟାପକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅଭିଯାନ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାଜ୍ୟର ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ ରହିଛି। ଟିକାକରଣରେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶବାସୀଙ୍କ ସହ ମତ ବିନିମୟ କରିବେ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ, ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଜାଫରନଗରରେ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର, ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହିଳାଙ୍କ ଚିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇଲେ ଲୋକେ। ଥରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ, କିଭଳି ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଚିତ୍ରା ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ଘେରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରା ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ କୃଷକ ସଂଗଠନର ପତାକା ଧରି ଗୋଡ଼ାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏଥିସହ ଚିତ୍ରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନାରାବାଜି କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଚିତ୍ରାଙ୍କ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ମଧ୍ୟ ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମହାପଞ୍ଚାୟତକୁ କଭର କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଛି ଘଟଣା। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ମହିଳାଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଲୋକମାନେ କିଏ? ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ କ'ଣ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତେବେ ଏହା ନୂଆ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ସହ ଏପରି ଦୁର୍ବ୍ୟବହାରର ନଜିର ରହିଛି। ଜାନୁଆରୀ 8ରେ ହରିୟାଣା ଦିଲ୍ଲୀ ସୀମାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଜଣେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକ ଜଣକ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲେ, ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ମାମଲାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀମାନେ ଦୋଷ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହ ଗିରଫ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଚାଷୀ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଯେପରି ହିଂସା ଘଟାଇଲେ ତାହା ସମସ୍ତେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଏଭଳି ଘୃଣ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।
ନିପା ଭାଇରସ ଭୟ କେରଳରେ ଏବେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ନିପା ଭାଇରସ। ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଜଣେ 12 ବର୍ଷର ବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେରଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିନା ଜର୍ଜ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ବାଳକ କୋଚିକୋଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଗତ ରାତିରେ ଅଚାନକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଟିମ୍ ବାଳକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। 12 ବର୍ଷର ବାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟିନ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି। ନିପା ଭାଇରସ ସଂକ୍ରମଣରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବା ପରେ କୋଚିକୋଡିରେ ଏହା ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯିବା ସହ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଏକ ଟିମ୍ କୋଚିକୋଡି ଗସ୍ତ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। 2018 ମେ ମାସ 19ରେ କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିପା ଭାଇରସ ଜନିତ ସଂକ୍ରମଣର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେପରି ଜୁନ୍ 1 ସୁଦ୍ଧା ନିପା କାରଣରୁ 17 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ କୋଚିକୋଡେ ଏବଂ ମଲପୁରମ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିପା କାରଣରୁ 12 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବାଦୁଡ଼ିଠାରୁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଫ୍ରୁଟ୍ ବ୍ୟାଟ୍ ପ୍ରଜାତିର ବାଦୁଡ଼ିଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ ରୋଗର ବାହକ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନ୍କୁ ଏଇଠି ସାରୁଛି, ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।